टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय इम्पोर्टेंट डूज और डोंट्स का ख्याल एक आम व्यक्ति बिल्कुल नहीं रखता है। उसी कारणवश टर्म इंश्योरेंस की जो ये कंपनियां होती हैं जिसे आप अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदते हो वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है और यहाँ तक रिजेक्ट कर भी देती है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊँगा 5 ऐसी गलतियाँ जो आप करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए जब भी आप टर्म इंश्योरेंस का एक प्लान लेते हो किसी भी कंपनी से, ताकि आपका इंश्योरेंस कवर कभी भी रिजेक्ट नहीं हो। क्योंकि एक बात आप याद रखिए, ये जो टर्म इंश्योरेंस आप खरीदते हो इसका जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा, जब इसका क्लेम अमाउंट लेने का टाइम आएगा, तब शायद आप इस दुनिया में नहीं रहो, तो आपके नॉमिनी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है मनानी दिपिन, मैं एक फाइनेंशियल कोच हूँ, एक फाइनेंस एंथुसियास्ट भी हूँ। इस YouTube चैनल संडे निवेश पर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस में बनाते रहता हूँ, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जो बिल्कुल भी फ्री है, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक आ सके। आइए मिलकर सीखते हैं। पहली जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो करते हैं कि अपनी सही जानकारी नहीं प्रोवाइड कराते हैं जब भी वो एप्लीकेशन भरते हैं टर्म इंश्योरेंस कंपनी का। टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के समय जो भी आप जानकारी जो कॉलम्स हैं उस पर एकदम सही तरीके से दीजिए, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को आपके लाइफस्टाइल के बारे में, आपकी एनुअल इनकम के बारे में, आपके ऑक्यूपेशन, आपकी एज, इसकी पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है दोस्तों, जैसे कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई, क्योंकि इसके बुनियाद पर चेंज होता रहता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो सारी जो जानकारी आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, आपके ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई, आपके एनुअल इनकम से जुड़ी हुई उस समय की, वो आप करंट पीरियड के हिसाब से ज़रूर उस फॉर्म में भरिए। दूसरी मिस्टेक अक्सर लोग ये करते हैं कि अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में सही जानकारी नहीं देते हैं। देखिए, ये जो दूसरा पॉइंट है ये सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं, अगर आप फॉर्म को अच्छे से देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो आप ये बात काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो कि आपकी जो ये हिस्ट्री मांगी जाती है वो केवल आपसे रिलेटेड नहीं बल्कि आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड भी होती है। जैसे कि हार्ट अटैक, डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियाँ, अगर आपके फैमिली में किसी को है, उसकी कोई भी हिस्ट्री है, तो वो भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। उससे भी जो टर्म इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करा रही है कंपनी, वो आपके रिस्क कवर का प्रीमियम जो है उस अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को देखकर ही डिसाइड करती है और आपको उस हिसाब से प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ बाहर आती है तो उसकी हिस्ट्री की अगर ट्रेल कंपनीज को पता चलती है तो वो कंपनियाँ इंश्योरेंस को रिजेक्ट कर देती है और कोई भी अमाउंट नॉमिनी को नहीं मिल पाता है। तीसरी सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है, लोग खुद का प्रपोजल फॉर्म खुद नहीं भरते हैं। देखिए, एजेंट आते हैं, उनको कमीशन मिलती है, लेकिन ये जो फॉर्म है अगर आपका एजेंट आपके बिहाफ पे भर रहा है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हर कॉलम, हर इन्फॉर्मेशन की जांच अच्छे से कर लीजिए। देखिए, वो जो इन्फॉर्मेशन एजेंट ने भरी है आपके बिहाफ पे वो सही है कि नहीं है। और इस चीज़ को, इस गलती को सुधारने का एक और एक सबसे सही तरीका जो रहता है वो ये रहता है कि आप अपना फॉर्म खुद भरिए, ना कि आपका एजेंट आपका फॉर्म भरे। क्योंकि अगर एजेंट आपका फॉर्म भरेगा तो कुछ चीज़ें क्या होता है, चलता है वाला एटीट्यूड हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन ये एटीट्यूड क्या तब भी रहेगा कायम जब आप इस संसार में नहीं रहोगे? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस प्लान तो आप इसलिए ले रहे हो कि उसकी जो मैच्योरिटी है वो शायद आपके जाने के बाद ही हो, तो इसीलिए चलता है वाले एटीट्यूड को एकदम इग्नोर नहीं करना है आपको। इस चीज़ को आपको मिटिगेट करना है, यानी कि इस चीज़ को ख़त्म करना है। ऐसे जो भी फॉर्म्स हैं आपके टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के, जो भी रिलेटेड फॉर्म्स हैं, वो आपको खुद भरने हैं ताकि उसमें कोई भी गलती ना हो पाए। चौथी गलती लोग ये कर लेते हैं कि जो प्रीमियम पेमेंट रहता है वो उसको मैनुअल रखते हैं, और कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि वो भूल जाते हैं भरना। अब बहुत ज़्यादा केसेस तो नहीं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे ज़रूर हुए हैं जहाँ पर जिस व्यक्ति ने अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया था, अपना रिस्क कवर लिया था अपने लाइफ का, उन्होंने प्रीमियम भरना किसी तरह से मिस कर दिया और उसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई, यानी कि प्रीमियम की डेट गुजरे हुए करीबन 2 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। तो उस केस में उस व्यक्ति को भी टर्म इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस का पूरा पैसा नहीं देती है उनके नॉमिनी को, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं मिस्टेक उनकी है। अगर आप प्रीमियम नहीं भरते हो तो आपका जो ये पॉलिसी है वो लैप्स हो जाता है, उस पॉलिसी की कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। इस चीज़ को, इस गलती को होने से आप रोक सकते हो। आप अपने जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करा दीजिए जब भी आप अपना टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हो, ताकि आपकी जो पेमेंट है टर्म इंश्योरेंस का, जो प्रीमियम है उसकी जो पेमेंट है, वो बहुत ही आसानी से ऑटोमेटिकली
आपके बैंक अकाउंट से होती रहे और आपको केवल इतना करना है कि उस बैंक अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखना है ताकि आपका जो वो पेमेंट हो वो फेल नहीं हो पाए। आखिरी और पांचवी गलती लोग ये करते हैं कि अपनी जो एग्जिस्टिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान होते हैं या कोई भी इंश्योरेंस कवर होते हैं उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई यूलिप प्लान भी ले रखा है तो उसमें भी एक सम अश्योर्ड करके आपका इंश्योरेंस कवर होता है, आपकी लाइफ कवर होती है। ऐसे कोई भी अगर आपने इंश्योरेंस प्लान ले रखे हैं और अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस लेते हो अलग से, तो वहाँ पर आपको बताना है कि कितने के आपने इंश्योरेंस ले रखे हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आप इंश्योरेंस का जो रूल है वो ये है कि आपके एनुअल इनकम से 10 times से ज़्यादा आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हो। ऐसा इंश्योरेंस कंपनियां प्रेफर करती हैं ताकि लोग इसे बिजनेस नहीं बना दें, और वो सही भी है क्योंकि उससे ज़्यादा रिस्क आम तौर पे इंसान लेता भी नहीं है। तो अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस ले रखे हैं तो उसकी आप डिस्क्लोजर ज़रूर कीजिए। पॉलिसी के फॉर्म में क्लियरली कॉलम्स मेंशन होते हैं कि आपके कितने और इंश्योरेंस लिए हुए हैं आपके नाम पर, तो आपको वो सब बताना है, उनका सम अश्योर्ड कितना है। क्योंकि ऐसी अगर कोई चीज़ आप छुपाते हो तो उस कारण के वजह से भी इंश्योरेंस कंपनियां आपका पैसा नॉमिनी को नहीं देंगी जब आप संसार में नहीं रहोगे। तो इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपका एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो और बहुत ज़्यादा सूझबूझ वाले इंसान हो, तो भी टर्म इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है उसकी जब मैच्योरिटी आएगी तब आपकी कोई नहीं चलनी, क्योंकि आप तब संसार में नहीं होने वाले हो। आपके नॉमिनी जो हैं उन्हें ये फाइट लड़नी है कंपनियों से और पैसे लेने हैं। तो इस चीज़ को जितना भी ज़्यादा तरीके से आप सिंपल रख सकते हो, क्लियर रख सकते हो, तो आपको वही कोशिश करनी है हमेशा कि आप यहाँ पर कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रखकर एक अच्छे तरीके से फॉर्म को भरें, अच्छे तरीके से सारे डिस्क्लोजर दें। इस वीडियो में बताई हुई इन 5 बातों का आप ज़रूर ख्याल रखिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपने हेल्थ का, अपने वेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में।